हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइव। आज के इस वीडियो में हम क्लॉक के बारे में बात करेंगे कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से हम पूरे क्लॉक को ख़त्म कर सकते हैं। क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले से ख़त्म हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैंने थोड़ा बेसिक बताया क्लॉक के बारे में और उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बेसिक बताया कि कैसे कैसे उसमें टर्म यूज़ की गई हैं, और उस पर मैंने जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ना क्लॉक के सारे लगाए हैं। इस एक वीडियो से आप क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा क्लॉक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लॉक। इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है। आगे जो मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ क्लॉक का, जिससे कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक ज़रूरी है। तो गाइस, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आगे आपको समझ में नहीं आएगी वीडियो। और अगर आपने बिना स्किप किए देखा तो पूरा वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपका, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मिनट एंड जो होता है, मिनट वाली सही, मिनट वाली जो सुई होगी वो एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? एक घंटे में। भाई मिनट वाली सुई, जैसे कि ये घड़ी है, यहाँ से स्टार्ट हुई मिनट वाली सुई, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के जब यहाँ पे पूरा आ जाएगी तो उसका एक चक्कर पूरा हो गया होगा, यानी कि 60 मिनट होगी हमें। 60 मिनट में मिनट वाली सुई ने एक चक्कर पूरा कर दिया। ऐसे 90 का घूमी, 90 पूरा का पूरा 360 हो जाता है, जो मिनट वाली सुई एक घंटे में घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूम जाएगी। तो मिनट वाली सुई एक घंटे में 360 डिग्री अगर घूम रही है, यानी कि एक राउंड जब ले रही है वो, तो 360 डिग्री घूम रही है, तो उसको लगती है 60 मिनट। तो एक मिनट में कितना घूम रही है वो, हम निकाल लेते हैं कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने एंगल चली। तो क्या करेंगे, सिंपली न्यूटरी मेथड लगाएंगे, 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री, यानी कि एक मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री घूम जाती है। ठीक है गाइस, अगर ऐसे ही हम निकाल लें कि घंटे वाली जो सुई होती है, आर एन जो होता है, वो कितना घूमती है, वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में करेगी वो एक चक्कर पूरा, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। ओके, तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है घंटे वाली सुई, एक घंटे में कितनी घूमेगी, 360 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, यानी कि एक मिनट में कितनी घूमेगी, एक मिनट, क्योंकि ये जो होता है एक घंटे में होती है 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 30 को, 30/60, यानी कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री घूम जाती है। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा, जब घड़ी चल रही होती है तो हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि हाँ एक मिनट के बाद घंटे वाली सुई कुछ चली कि नहीं चली, लेकिन वो चलती है, वो आधा डिग्री चल जाती है। तो एक मिनट में ये घूम जा रही है कितनी, आधा डिग्री घूम रही है। जैसे जैसे मिनट वाली घूम रही है, ऐसे ऐसे ही उसी के साथ घंटे वाली सुई भी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तो हम देखते हैं ये कुछ घूमी, ये भी कुछ घूमी होगी, तो रिलेटिवली ये रिलेटिवली इससे कितना आगे गई, इसको कहते हैं रिलेटिव गेन। ये निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, आपने देखा होगा कि एक आदमी यहाँ ऐसे जा रहा है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आर जा रहा है, और एक चल रहा है 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर एक चल रहा है, तो ये इससे थोड़ा तेज चल रहा है, तो रिलेटिवली इससे कितना आगे जा रहा है, कितनी रिलेटिव स्पीड अगर हम इनकी निकाल लें, तो ये इससे, इसके रेस्पेक्ट में कुछ तेज चल रहा होगा तो ये ज़्यादा चलेगा। ऐसे ही सुई भी ये वाली तेज चल रही है, ये थोड़ा धीमे चल रही है, तो रिलेटिव गेन ले लेती है ये। तो वो रिलेटिव गेन निकाल लेते हैं हम कि वो एक मिनट में कितना, घड़ी जो ये मिनट वाली सुई है
घंटे वाली सुई से कितना आगे होगी। तो एक मिनट में हमने देखा, एक मिनट में, मिनट में जो मिनट वाली सुई थी, मिनट वाली, वो चली 6 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट में जो घंटे वाली थी, घंटे वाली, वो चली 0.5 डिग्री, ठीक है गाइस। तो अगर हम इनका रिलेटिव गेन निकालेंगे वो कितना उससे आगे निकल गई, उसको अगर निकाल लेंगे तो 6 - 1/2 कर देंगे, उतना ही तो आगे होगी, तो ये आएगा 5.5 डिग्री। यानी कि एक मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो आर वाली सुई से 5.5 डिग्री आगे हो जाती है, यानी कि इतना रिलेटिव गेन ले लेती है, इतना लीड करती है, यानी कि इतनी बढ़त ले लेती है, सॉरी, ठीक है गाइस। ये जो रिलेटिव गेन जो आया अभी हमारा 5.5 डिग्री, ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है मिनट वाली सुई की विद रिस्पेक्ट टू आर एंड, ठीक है, घंटे वाली सुई के रेस्पेक्ट में मिनट वाली सुई की रिलेटिव स्पीड है ये। इतना रिलेटिव गेन जो मिनट वाली सुई ने लिया है वो कितना डिग्री घूमने पे लिया है, 6 डिग्री, यानी कि जब वो 6 डिग्री घूमी तो मिनट जो घंटे वाली थी वो 0.5 डिग्री घूम गई थी, तो 5.5 डिग्री जो बढ़त उसने हासिल की वो 6 डिग्री घूम गई, यानी कि रिलेटिव गेन ऑफ 5.5 डिग्री मिनट हैंड से जाता है वो कितना जाता है, 6 डिग्री घूमता है, यानी कि 5.5 डिग्री का जो रिलेटिव गेन लेती है वो 6 डिग्री घूमने के बाद लेती है। 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 और 11/2 डिग्री का जो रिलेटिव गेन मिनट वाली सुई ने लिया वो कितने डिग्री घूमने पर लिया, 6 डिग्री घूमने पर लिया, यानी कि 1 डिग्री का क्या रिलेटिव गेन, ध्यान दे रहा है इस बात पे, रिलेटिव गेन जो उसने लिया वो जैसे हम निकाल रहे थे अभी 6/11/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यूनिटरी मेथड लगाया सिंपली, ये 5.5 डिग्री का जो रिलेटिव गेन है वो 6 डिग्री घूमने पे ले रही है, तो 1 डिग्री का रिलेटिव गेन कैसे लेगी, इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1 डिग्री का जो रिलेटिव गेन जो होता है वो 12/11 डिग्री घूमने पे मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 12/11 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 डिग्री का रिलेटिव गेन लेने के लिए मिनट वाली सुई को 12/11 डिग्री चलना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे यूज़ होगा, फॉर्मूले में यूज़ होगा, इसलिए हमने ये निकाला है, मैंने बताया है कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये 12/11 कहाँ से आ गया, कैसे लिख दिया, तो मैंने ये रिलेटिव गेन का कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया है कि जिससे कि आपको समझ आए कि ये कहाँ से आ गया, कैसे आता है। तो गाइस क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऐसे टाइम दे देगा 5 से 6 बजे के बीच में, ये कोइंसाइड कितने 5 बजकर कितने मिनट पर करेंगे, या फिर कोइंसाइड मतलब कोइंसाइड एक के ऊपर दूसरी, यहाँ पे एंगल कितने का, 0 डिग्री का है, ऐसे ही पूछ लेगा, कोइंसाइड बोलेगा तो हमें 0 डिग्री निकालना है, 0 डिग्री एंगल कब होगा उनके बीच में। मैं अभी मास्टर फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के, अगर वो डिग्री दे दे कि इतने डिग्री का एंगल है सुइयों के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में, अगर वो कह देता है कि 30 डिग्री का एंगल है तो हम निकाल सकते हैं कि वो 5 बजकर कितने मिनट पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही कोइंसाइड पूछ लेगा और अपोजिट पूछ लेगा, ऐसे ही राइट एंगल पूछ लेगा कि राइट एंगल कितने बार बनाती है, कितने बजकर कितने मिनट पर बनाएगी, उन सब के लिए मैं अभी फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उससे आप इस टाइप के क्या लोग के लगभग सारे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी ध्यान से देखिएगा उस फॉर्मूले को, और मैं फॉर्मूले के बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर्मूले में टर्म्स क्या क्या हैं, और उस पर अभी न्यूमेरिकल भी करने वाला हूँ। तो गाइस ये है वो फॉर्मूला जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि टर्म्स क्या क्या है, ये x क्या है, d डिग्री क्या है, कैसे इसको अप्लाई करें, कब ये अप्लाई होगा। गाइस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा x एंड x+1 ओ क्लॉक के लिए,
ये क्या बोल दिया मैंने, ये बोल दिया मैंने, जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 7 से 8 बजे के बीच, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से पूछेगा और उसी के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। जैसे कि आपसे पूछेगा 5 बजकर 20 मिनट पर एंगल कितना होगा सुइयों के बीच में, तो वहाँ पे एक्स होगा 5, क्योंकि 5 से 5 से 5 20, वो 5 से 6 के बीच में ही आ जाता है ना, तो एंगल पूछ लेगा वहाँ पे कि 5 बजकर 20 मिनट पे कैसे होगा। इसको हम सबको, मैं इन सबको निकालना सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन भी करने वाला हूँ इसके बाद में, अब फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो x+1 और x यानी कि 5 से 6 7 से 8 इस टाइप जो टाइम दिया हुआ उनके बीच में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि भाई अभी उसने पूछ लिया कि 5 बजकर 20 मिनट पर एंगल कितना होगा इनके बीच में, और ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है हम इसको मिनट के इक्वल रखते हैं। जैसे कि अभी रख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, 20 मिनट क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी एक्स 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 बजकर 20 मिनट पूछा है, डिग्री हमें निकालनी है, एंगल कितना है सुइयों के बीच में, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 × x की जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस डी डिग्री हमें निकालना है अपॉन 6 × 12 by 11। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में होगा, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 20 × 11 by 12 = 55, 25 हो जाएगा प्लस के d/6। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से काटा, यहाँ पे 10, यहाँ 6, ठीक है, इस फिर से काटा तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 × 11 = 55 / 3 = 25 + d/6। 55 − 25 / 3 = d/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 55 − 75 / 3 = d/6, 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, −20 = d/2, तो यहाँ पे d = आ गया −40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री का एंगल होगा। अब ये −40 डिग्री का क्या मतलब हुआ, अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो ये d = −40 डिग्री आया, एंगल नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये माइनस में क्यों आ गया, अभी मैं इसको बता देता हूँ। जब हमने ये रिलेटिव गेन निकाला था, ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है, इसके बारे में इसकी थोड़ी हिस्ट्री सी जाननी पड़ेगी जिससे आप समझ जाएंगे। जब ये फॉर्मूला हमने, ये रिलेटिव गेन जब हमने निकाला था अभी पीछे, तो हमने क्या लिया था, मिनट वाली सुई आगे ली थी और जो घंटे वाली सुई होती है वो पीछे ली थी, और ये एंगल ऐसे नापा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो ये 5.5 डिग्री जो हमें नापा था ऐसे नापा था, रिलेटिव गेन निकाल, ये जो हमने निकाल रखा है अभी मैंने समझाया था 12/11 कैसे आया, तो वो हमने लिया था, उसमें क्या लिया था, मिनट वाली सुई आगे और ये जो होती है घंटे वाली पीछे ली थी। लेकिन 5:20 पर केस उल्टा हो जाता है, अभी घड़ी बना के देख लेते हैं, जैसे कि आपकी घड़ी होगी गोल नहीं होगी कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 12 जो जरूरी जरूरी है वो लिख लेता हूँ। तो 5:20 पे घंटे वाली सुई कुछ 5 से थोड़ा आगे होगी, और 20 मिनट कब होगी, जब मिनट वाली सुई 4 पे होगी, तो यहाँ पे उल्टा हो गया केस। अब हम नाप रहे हैं एंगल कहाँ से, घंटे वाली से मिनट की तरफ, क्योंकि फॉर्मूला जब ड्राइव किया गया है तो घंटे वाली से मिनट वाली की तरफ का एंगल नापा गया था, और उसको क्लॉक वाइज लिया था, तब हमने इसको पॉजिटिव लिया था, लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स हो जा रहा है, हमें उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये माइनस आया है। लेकिन एंगल अगर इधर से नापेंगे तब भी 40 होगा, इधर से नापेंगे तब भी 40 होगा, तो ये जो 5:20 पर जो इन सुइयों के बीच में एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, दिखा इससे मैं आपको, एक आपको अपोजिट वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। तो अपोजिट का देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में जो सुइयाँ होती हैं घंटे वाली और मिनट वाली, वो अपोजिट कब होंगी, तो सिंपल वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अपोजिट होने का मतलब क्या है कि डी अपोजिट कब होंगे, एक इधर एक इधर, तो
तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिली हुई है। अपोजिट का मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री होगा तभी तो अपोजिट होगी। तो हमें निकालना है, यहाँ पे क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि वो पूछेगा कि 5 बजकर कितने मिनट पर अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं सीधा, ये फॉर्मूला हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। एक्स प्लस वन और एक्स के बीच में ही ये वैलिड होता है फॉर्मूला, और इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 5 × x की वैल्यू हमने 5 रखी, प्लस अपोजिट मतलब 180 डिग्री बाई 6 × 12 बाई 11, इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 × 18 30 आ जाएगा। तो 25 + 30 × 12 बाई 11, तो ये हो जाएगा कितना? 55 × 12 बाई 11। ठीक है गाइस, तो कर लेते हैं 11 × 55, 5 × 12 = 60 मिनट, यानी कि 5 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होगा कि 6 बजे। अब देख लेते हैं 5 से 6 के बीच में कब अपोजिट होती है? 6 बजे होती है। 6 बजे पर जो घंटे वाली संयोग होगी वो 6 पे होगी और ये 12 पे। 5 से 6 के बीच में अपोजिट 180 का जो एंगल होगा वो 6 बजे ही होगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक आधा एक दो क्वेश्चन और मैं करा के दिखा देता हूँ आपको, और क्लियर होगा। और एक टिपिकल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और बता देता हूँ कि कोइनसाइड के लिए क्या करना है आपको और राइट एंगल के लिए आपको क्या करना है। तो गाइस ये अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, इसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और वो जो अभी एक डाउट रहा होगा आपको कि मैंने फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा था उसका क्या मतलब है, वो सब इसमें क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल द एंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। मतलब क्या होगा इसका? मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइन में कब होंगी संख्या अपोजिट होंगी या तो एक दूसरे के, तब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। मैं क्वेश्चन में एक बार हिंदी में समझा देता हूँ कि 8 से 9 बजे के बीच में जो सुइया है वो स्ट्रेट लाइन में कब होंगी? एक साथ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन तो तब भी बन जाएगी, सरल रेखा तो तब भी बन जाएगी जब मिनट वाली और सुई वाली ओवरलैप करें। लेकिन उसने ये क्लियरली बोल दिया कि टुगेदर नहीं होनी है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में तभी होंगी ना जब अपोजिट होंगी। ठीक है गाइस, तो अब इसको कर लेते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 5 × x + d/6 × 12/11। ये प्लस माइनस, प्लस का हमने क्वेश्चन भी किया और ये माइनस का क्या चक्कर था आप सोच रहे होंगे, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जब हम अपोजिट का क्वेश्चन करते हैं, किसका? अपोजिट, अपोजिट वाला क्वेश्चन करते हैं तो ये माइनस साइन तभी हमारे यूज में आता है। अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 6 और 6 के बराबर या 6 से कम है, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक अगर है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? x क्या होता है? जो कम वाला होता है, जैसे कि 8 और 9 में पूछा था x की वैल्यू 8 होगी, 7 और 8 में पूछता तो x की वैल्यू 7 हो जाती। तो यहाँ पे 8 जो होगा वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन है तो पॉजिटिव साइन यूज होगा और ये कंडीशन है तो नेगेटिव साइन यूज होगा। यानी कि 6 तक, 6 अगर है एक्स की वैल्यू तब भी हम प्लस ही लेंगे। अगर 6 से ज़्यादा हो जाती है, ये सिर्फ अपोजिट के लिए, इस बात पर गौर देना कि ये सिर्फ कंडीशन अपोजिट के लिए है, ये कोइनसाइड और राइट एंगल वगैरह इन सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपोजिट के लिए ही कंडीशन है। अगर 6 से ज़्यादा हो जाती है एक्स की वैल्यू तो हम माइनस यूज करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो हमारे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम सीधे सिंपली वैल्यू रख लेते हैं क्या क्या है। तो 5 × x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में? 8 8। और मैंने बताया x की वैल्यू अगर 6 से ज़्यादा है तो माइनस साइन यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे माइनस डिग्री क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस, अब अपोजिट निकालने स्ट्रेट लाइन में तो तभी होंगी जब अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 180 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू रख देते हैं 180 डिग्री। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो माइनस होगा ये सिर्फ अपोजिट वाली कंडीशन में होगा, और अपोजिट वाली कंडीशन में भी तब होगा अगर एक्स की वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी, तभी हम माइनस यूज करेंगे इस फॉर्मूले वाला। इस फॉर्मूले के अंदर जो माइनस दिया हुआ है ये सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, तो यूज़ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आप सिंपल इसको। तो 12/11 ये होगा 30 आ जाएगा, 40-30 इंटू 12/11 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12/11 दैट इज 120/11। इसको अगर लिखते हैं सिंपल करके तो 10 ये हो जाता है, यानी के 8:10 सही 10/11 मिनट पर स्ट्रेट लाइन में होंगे संयोग, अपोजिट होंगे। तो ये आ गया है हमारा 8:10 सही 10/11 मिनट पर ये अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होगी संयोग। अपोजिट की दो कंडीशन हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन की भी दो कंडीशन हो सकती है, जब कोइंसाइड करें संयोग, यानी कि उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, और अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। वो क्वेश्चन में बोल देगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो, तो उसे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको राइट एंगल वाला बता देता हूँ उसी के साथ। तो क्वेश्चन है गाइस, एट व्हाट टाइम द एंड्स ऑफ द क्लॉक एट राइट एंगल, राइट एंगल का क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट एंगल बिटवीन 7 AM एंड 8 AM। तो एक बार हिंदी में बता देता हूँ मैं क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, कि 7 से 8 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां होगी वो राइट एंगल 7 बजकर कितने मिनट पर बनाएगी। तो गाइस एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको भी क्वेश्चन को। तो हमारा फॉर्मूला था मास्टर फॉर्मूला 5x+-d/6 इंटू 12/11। यहाँ पे रखते हैं सिंपल वैल्यू हम फॉर्मूले में, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे, एक बार माइनस साइन यूज करेंगे। ये भी बताऊंगा कि प्लस एक बार यूज क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, उन सब का भी। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जो घड़ी की सुई जो होती है ना, वो 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनाती है। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये 2 बार राइट एंगल बनाती है, उसको मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो सॉल्व करते हैं, पहले प्लस साइन ले लेते हैं। तो 5x क्या होगा, 7 होगा यहाँ पे, इंटू 7 प्लस राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90/6 इंटू 12/11 35 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 12/11 हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 12/11, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 600/11। इसको कैसे लिखेंगे हम, 11 600, 5 जा चलेगा 55 हो जाएगा, 4 जा चलेगा 44, बचा कितना 6। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, 54 6/11, यानी कि 54 6/11 7:54 6/11 पर ये राइट एंगल बना रही होगी। ठीक है गाइस, और दूसरा वो माइनस साइन से भी एक बार करके देख लेते हैं, 5 × 7 - 90/6, मैंने पहले किया था प्लस साइन से किया था, ये माइनस साइन से कर लेते हैं, इंटू 12/11 35 - 15 इंटू 12/11 20 × 12/11 ये हो जाएगा 240/11। तो 240 को भी ऐसे ही करेंगे हम, तो ये आएगा 21 सही 9/11। ठीक है, तो 7:21 सही 9/11 मिनट पर भी राइट एंगल बना रही होंगी।
और 7:54 सही 6/11 मिनट पर भी राइट एंगल बना रही हूँ। इसको देख लेते हैं बाकी कैसे कैसे, मैं इधर यहीं पे समझा देता हूँ। 7:54, 9 बजे यहाँ पे 8, 7, 7:54 कुछ ऐसा होगा, घंटे वाली सुई जो होगी 8 के करीब होगी, ये एक राइट एंगल होगा। और 7:21 पर, 7:21 पर जो 7 से थोड़ी आगे गई होगी ना, और 20, 4, 5, 6 ये यहाँ पे होगी, तो एक राइट एंगल अभी बनाया 7 से 8 के बीच में, 7:21 पे, दूसरा 7:54 सही 6/11 पर बना दिया। तो गाइस एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन का मैंने बताया था, यहाँ पे भी वही मतलब है। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस साइन यूज़ किया था हमने तो ये आया, यानी कि यहाँ पे मिनट वाली सुई आगे है, लेकिन 7:21 सही 9/11 में घंटे वाली सुई आगे और मिनट वाली पीछे है, तो इसलिए माइनस साइन यूज़ करते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, तो माइनस साइन यूज़ करने के बाद ये आया। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं अभी आपको इसको रब करने के बाद। तो गाइज अभी हमने देखा कि राइट एंगल 2 बार बना रही थी, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो 2 बार बना रही थी, ठीक है गाइज, 1 घंटे में। तो क्या होता है कि कोइंसाइड जो करती हैं 0 डिग्री का एंगल, कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री का एंगल, वो 1 घंटे में 1 बार आता है, और राइट एंगल आता है 2 बार। ऐसी अपोजिट कितने बार होगी, अपोजिट होगी वो 1 बार, ठीक है गाइज। तो ऐसे ये तो 1 घंटे की बात थी, अगर हमें 12 घंटे में निकालना हो तो 12 घंटे में, 12 घंटे में कोइंसाइड करेंगे 11 बार, ठीक है गाइस, और 12 घंटे में अपोजिट होंगी कोइंसाइड 0 डिग्री, अपोजिट 180 डिग्री, 12 घंटे में वो भी 11 बार होंगी, और 90 डिग्री 12 घंटे में जो होगा वो होगा 22 बार, ठीक है गाइस। ऐसे अगर हमें 24 घंटे का निकालना होगा तो ये 24 घंटे में क्या हो जाएगा, 22, ये भी 22 हो जाएंगे, और ये भी ये हो जाएंगे 44। तो मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ अभी, जिसमें मैं सब कुछ लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैंने ये टेबल बना दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12 घंटे में 11 बार ही क्यों हुआ, ये 12 बार क्यों नहीं हुआ। आप एक काम करना, एक घड़ी लेना और घड़ी लेना और स्टार्ट करना गिनना, कब से, 1 बजे से लेके, 1 बजे से 1 बजे तक का ही गिनना, कि 1 बजे से स्टार्ट हुआ, और दोबारा जब ये 1 बजे तक आ जाए, जब आप घड़ी को घुमा घुमा के गिनेंगे तो आप गिन के देखना कि 11 बार ही होगा, कोइंसाइड जो करेंगे वो 11 बार करेंगी, और राइट एंगल जो बनाएंगे वो 22 बार बनाएंगी, और अपोजिट होंगी वो भी 11 बार ही होंगी, ठीक है गाइस। तो गाइस एक टाइप और क्वेश्चन का बच जाता है इसमें, ये 7 मिनट अहेड इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, उसी फॉर्मूले से मैं करने जा रहा हूँ, आप देखना, बिल्कुल सिंपल एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना है इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें। अभी हम एक बेसिक यूज करेंगे अपना, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ हमारा, ये क्वेश्चन देखिए पहले, एट वाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड ऑफ द आर हैंड, ठीक है, ये कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट हैंड जो 7 मिनट आगे है आर हैंड के, वो किस मतलब उस टाइम को पूछ रहा है, कितने बजे 7 मिनट आगे होगा। 7 मिनट आगे का मतलब अभी बता देता हूँ मैं, मिनट और डिग्री में हमने रिलेशन निकाली थी, तो मैं अभी बता देता हूँ 7 मिनट आगे का होने का मतलब क्या है। देखो 7 मिनट आगे होने का मतलब है, हमने पढ़ा था मिनट एंड जो एंड जो होता है वो 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री चलता है, तो 7 मिनट में कितना चलेगा, मिनट एंड की बात चल रही है यहाँ पे, तो 6 × 7 = 42 डिग्री चलेगा। तो गाइज इसमें हमने ये क्या किया, ये 7 मिनट अहेड जो बोल रहा है ना, कि इसका मतलब है कि 42 डिग्री आगे है, क्या मिनट वाली सुई किससे आगे है, घंटे वाली सुई से 42 डिग्री आगे हैं, ठीक है गाइस। तो अब ये मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं अपना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 5x प्लस, और एक और बात बता देता हूँ, अगर
अहेड दिया है क्वेश्चन में, तो हम प्लस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे प्लस? क्योंकि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो आगे है, तो यहाँ पे एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। क्योंकि हमने फॉर्मूला जब बनाया है ये, तो उस टाइम पे हमने क्लॉकवाइज माना है प्लस। ठीक है गाइज, अगर ये अपार्ट बोल देता है तो हम माइनस यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना पार्ट के केस में, घंटे वाली सुई आगे हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी मिनट वाली, तो ऐसे नापना पड़ेगा एंगल, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे हम माइनस यूज कर लेंगे और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अभी डिग्री की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 7 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 42। तो 42 अपॉन, सॉरी अभी फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले, डी बाई 6 × 12 अपॉन 11। ओके गाइस, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सिंपल, 5 × 3 प्लस डिग्री हमने निकाल ही ली है 42, 42 बाई 6 × 12 अपॉन 11, ये हुआ 15 प्लस 7 आ जाएगा, 7 × 12 बाई 11 तो ये हो जाएगा 22 × जब इनको जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 12 बाई 11 ये 2 आ जाएगा, 11 दूनी सॉरी 12 दूनी 24, 24 मिनट, यानी कि कितने बजे, 3 बजकर 24 मिनट, 3 बजकर 24 मिनट पर जो मिनट वाली सुई है वो 7 मिनट आगे होगी, किससे, घंटे वाली सुई से। 7 मिनट आगे होने का मतलब, 7 मिनट आगे होने का मतलब, 1 मिनट आगे होने का मतलब 6 डिग्री है, तो 7 मिनट आगे होने का मतलब 42 डिग्री है। तो गाइस ऐसे हम उनको सोल्व कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है अपार्ट वाला वो भी करके दिखा देता हूँ, इसके साथ हमारा क्लॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचता। ठीक है गाइस, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो गाइस अभी हमने अहेड वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब एक अपार्ट वाला भी कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, एट वाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 4 मिनट अपार्ट। अभी मैंने बताया था 4 मिनट का मतलब, फिर से एक बार और मैं करा देता हूँ, 1 मिनट में मिनट हैंड चलेगा 6 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना चलेगा, 6 × 4 = 24 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है, ये एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास डिग्री। ठीक है, ओके गाइस, और यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में दिया अपार्ट, इसका मतलब क्या होगा कि मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से पीछे है, तो एंगल इस डायरेक्शन में नप रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नप रहा है हमारे एजम्पशन के, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में माइनस साइन यूज करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 5x यहाँ पे माइनस हो जाएगा डी बाई 6 × 12 बाई 11, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 8 और 9 में से एक्स की वैल्यू 8 होगी। ठीक है गाइस, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो कम वाला होता है ना, 8 और 9 में जो कम है 8 वो एक्स होता है, तो 5 × 8 माइनस डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है 24, 24 अपॉन 6 × 12 बाई 11 कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये −4 × 12 बाई 11 गाइस 36 बचेगा यहाँ पे, देंगे तो 12 बाई 11, 12 की और 36 ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 12 6 72, 8 6 लगा 7, 12 बटे 36 और 7 43 बटे 11। ठीक है गाइस, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, 11 से अगर डिवाइड करते हैं 4 3 2, तो 3 जा चलेगा, इतना बचेगा 10, ये उतार लेंगे 2, 9 जा चलेगा 99, बचा कितना 3, तो ये क्या होगा 39 सही 3 बाई 11। तो टाइम क्या होगा, वो जब 4 मिनट अपार्ट होगी, जो मिनट जो एंड्स होंगे जो 4 मिनट अपार्ट होंगे, तो वो टाइम क्या होगा, 8 बजकर 39 सही 3 बाई 11 दैट इज द आंसर।
तो गाइस अगर आपको ये क्लॉक समझ में आया और अगर आपको लगा कि हाँ हमने सब सारे के सारे क्लॉक के क्वेश्चन सिर्फ एक फोल्ड में से कर दिए हैं, तो गाइस एक लाइक तो बनता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर मैं ऐसा कोई और टॉपिक बनाता हूँ, मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा मैं ऐसी बनाऊंगा कि जिसमें आपको कम एफर्ट डालना पड़े, कम एफर्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आएंगे, उस टाइप की मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि क्लॉक के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने भी बहुत सारे पढ़े हैं फॉर्मूले, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे कि एक ही फॉर्मूले में खत्म हो जाए क्लॉक, तो ऐसा आपने आज देखा। तो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।